चैप्टर नंबर 9.4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, उसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है, आपके लास्ट वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी 9.5, उसी से रिलेटेड एक चैप्टर और है, चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर का नाम भी क्या है, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन में हम 9.5 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे, बाकी हमने इस चैप्टर के अंदर 14.3 नहीं आएगी, 14.4 नहीं आएगी और 14.5 भी नहीं आएगी, ओनली 40.1 और 40.2। इसलिए चैप्टर बहुत स्मॉल चैप्टर है, इसलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखो कॉमन फैक्टर क्या होता है, आप फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो अगर आपको 15 के फैक्टर करने हैं तो 15 के फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5। ये तो यहाँ पर हमने किसी नंबर के फैक्टर करे, अगर अपन आपको एलजेब्रिक यानी कोई पॉलिनोमियल गिवन हो तो उसका कैसे करेंगे, जैसे लिख रखा है 3xy, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 × x × y। तो पॉलिनोमियल के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो वेरिएबल होंगे x और y। फॉर्मूले नहीं है इसमें, केवल कॉमन फैक्टर के बारे में समझाया गया है और फैक्टर्स कैसे करेंगे उसके बारे में। तो 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आप 14.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। जो भी टर्म्स आपको गिवन है उसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, टफ नहीं है। देखो 12x आपको फैक्टर करना आता ही है, 12x के फैक्टर करें, 12x के फैक्टर क्या होंगे, देखो 12 के फैक्टर करें हम 2 × 2 × 3 और x का ऐसे ही आपको आता ही है, 12 के इस तरह से फैक्टर करना है और 36 के इस तरह से फैक्टर करना है। 36 के फैक्टर करें हम 2, 2, 3 और 3, जो कॉमन आ रहा है वही इसका कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। तो यानी कि कॉमन फैक्टर क्या आ गया, देखो 2, 2 × 3, यानी कि आंसर क्या आ गया, 12। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं हमें। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरह का, सी वाला क्वेश्चन देखो, 14PQ 28P² और Q² 14PQ के फैक्टर करें, 14 के फैक्टर होंगे 2 × 7, PQ क्या लिख सकते हैं हम, P × Q। 28P² Q² के फैक्टर करो, 28 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 7, P² का मतलब हो गया P को कितने टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 टाइम्स, Q² का मतलब हो गया Q को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 2 टाइम। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, P कॉमन आ रहा है और Q कॉमन आ रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, 2 × 7 × P × Q, तो आंसर क्या आ गया, 14PQ। तो इस तरह से आपको इसमें कॉमन फैक्टर निकालना है, आप इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन करें। हम एक और क्वेश्चन आपके लिए इसमें 3 टर्म्स वाला कर लेते हैं, 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, 16A³ − 4A², 32X, 16A³ 2 × 2 × 2, ये तो हमने 16 के फैक्टर करे, और A³ कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, और इसके अलावा माइनस का 4A², माइनस से कोई फैक्टर पड़ेगा नहीं, माइनस को आप आगे लिखना है, 4 के फैक्टर करें 2 × 2 और X² के 2 टाइम्स X, 32X, 32 के फैक्टर करेंगे हम तो 5 × 2 आएगा, फैक्टर आपको आता ही है, ये 2 और ये 2 मैच हो रहा है, तो जो जो मैच हो रहा है उसको निकालते चले हम कॉमन फैक्टर में। एक तो 2 हो रहा है, फिर सेकंड वाला 2 भी हो रहा है, थर्ड वाला
टू नहीं हो रहा, ओनली टू हो रहा है। अब एक्स की बात करें, वन टाइम एक्स हो रहा है केवल, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, फोर एक्स। तो इस तरह से आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कॉमन फैक्टर निकालना आने के बाद इसके सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फैक्टराइज करना है इसमें। देखो अब फैक्टराइज के लिए अगर आपको कॉमन फैक्टर आते हैं तो आप फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक तो 7x है और एक क्या है 42 है। एक बार तो मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, बाद में अपन थोड़ा सा इसको शॉर्ट में करेंगे। 7x और 42 दो टर्म्स हैं यहाँ, दोनों के आप फैक्टर कर लें। यहाँ पर 7x का फैक्टर क्या होगा, 7 × x। 42 के फैक्टर करें तो 42 के फैक्टर कर सकते हो आप, क्या आएगा 2 × 3 × 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन था 7x − 42, यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया, 7 आया। तो इन दोनों में हम देखो, या तो 7x − 42 है, तो 7x को हमने लिखा 7 × x, 42 को लिखा 2 × 3 × 7। जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा, x। इधर अंदर क्या बचेगा, 2 × 3, x 2 × 3 = 6। इस स्टेप को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो क्या है, शुरू वाले जो क्वेश्चन थे इनको हमें एक्सप्लेन करके समझाना है। तो मैंने 7x के फैक्टर करे, 7 × x, 42 के फैक्टर कर दिए, इन दोनों टर्म्स को यहाँ लिख दिया, जो कॉमन आ रहा है उसको हमने बाहर निकाल लिया। इसके और क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे डी वाला क्वेश्चन, −16z + 20z³। आप इसके फैक्टर करें 16 के, 2 × 2 × 2 × z, 20 के भी फैक्टर कर दें, 2 × 2 × 5, और z कितने टाइम्स आ रहा है, 3 times। अब आप देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2, सेकंड टू कॉमन आ रहा है, और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये z और ये z कॉमन आ रहा है। तो अंदर जो जो बचेगा उसको लिखना है, 2 × 2 आ गया, माइनस का साइन बचा है, और 2 × 2 बचेगा। इधर 2 × 2 कॉमन ले लिया, 5 बचेगा, 1z कॉमन ले लिया, तो 2 × z बचेगा, तो 4z, 2 × 2 = 4, 5 और ये z². तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका सेकंड का ही, आई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें 3 terms है, x²yz + xy²/xyz²। इसके फैक्टर करें x × x, y × z, x × y × y और z, x × y × z × z। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x, x, x। इसके अलावा y, y, y। इसके अलावा z आ रहा है तीनों में। अंदर क्या क्या बचेगा उनको लिखते हैं, एक तो इधर x बच रहा है, इधर y और ओनली y बच रहा है, प्लस इधर क्या बच रहा है, z। तो आंसर आ गया x, y, z, x + y + z। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपको पूरे क्वेश्चन इस तरह से ही करने हैं।